नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई से गरमाई सियासत, सीएम शिंदे ने मामले पर दी पहली प्रतिक्रिया, कहा कि कुछ गलत नहीं किया है तो वो डर क्यों रहे हैं। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना, बीबीएम बीसीसीए और बीकॉम का नया सत्र में होगा नया पाठ्यक्रम। और नागपुर में गिट्टी खदान स्थित पुलिस मुख्यालय के पास ही की गई हत्या, कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल। विस्तार से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जान चल रही है, अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो डर क्यों रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रविवार सुबह मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत के आवास पर पहुंची। राउत की जांच ईडी द्वारा मुंबई के एक चौल के पुनः विकास से जुड़ी कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर संजय राउत निर्दोष है तो वो डरते क्यों हैं। सीएम ने आगे कहा कि जांच चल रही है, अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो क्यों डरे हुए हैं। वो एक बड़े नेता थे, सिर्फ इसीलिए कोई ईडी से डरता है, उन्हें हमारी पार्टी पर हमला नहीं करना चाहिए। संजय राउत आता मला नाही माहित अटक, मी काय तिकडे अधिकारी नाहीये, त्यामुळे ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या। आणि बघा, ते तर म्हणालेत ना मला मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असली पाहिजे। त्यांची चौकशीला ते सामोरे जाणार बोलत होते, आज चौकशी होऊ द्या, त्याच्यातून काय पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच। त्यामुळे ते महाविकास आघाडीचे मोठे नेते होते, त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, दर दिवशी तुम्ही 9 वाजता त्यांची बाईट घेत होते सकाळी। भाजपकडे जाणार नाही असं ते म्हणतात। असं त्यांना कोणी बोलवलंय का, असं त्यांना कोणी निमंत्रण दिलंय का? आपल्याला मी जाहीरपणे सांगू इच्छितो, ईडीच्या कारवाईच्या भीतीने कोणी येत असेल तर आमच्याकडे कृपया येऊ नका, शिवसेनेकडे पण नका आणि भाजपकडे पण नका। बिलकुल आम्हाला दबाव टाकून कुणालाही पक्षामध्ये घ्यायचं नाही, हे मी जाहीरपणे या ठिकाणी आवाहन करू इच्छितो। अर्जुन खोतकर असू द्या, नेता आणखी कोणी असू द्या, मी जाहीरपणे या ठिकाणी आवाहन करतोय की ईडीच्या कारवाईला भिवून घाबरून दडपणाखाली कोणी असं कुठलंही पुण्याचं काम करू नका। मी सांगतो सुडाचं राजकारण बघा, या केंद्रीय तपास यंत्रणाने जे काही काम केलंय, यापूर्वी देखील काही कारवाई केल्या, जर सुडाने काम केलं असतं, चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली असती, न्यायालयाने त्यांना लगेच दिलासा दिला असता। यापूर्वीच्या ज्या कारवाया झालेल्या तेही तपासून घ्या। आणि तुम्हाला मी सांगतो, सुडाच्या कारवाईची आवश्यकता काय? आम्ही एवढं मोठं सरकार जे बनवलं, सगळं झालं, ज्या घडामोडी पाहिल्या, त्याच्यामध्ये एक तरी सुडाची कारवाई केली का हो? कोणाच्या दबावाखाली जे आमदार आणि खासदार आमच्याकडे आले, त्यांनी एकदा एकाने तरी सांगितलं का हो, ईडीचं नोटीस मला पाठवली आणि म्हणून मी गेलो तिकडे, असं कोणीतरी म्हणालं? सरकार पूर्ण कालावधी करून पुढच्या निवडणुका पण जिंकेल। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ ईडी की जांच कई दिनों से लंबित है। ये सभी संवैधानिक व्यवस्था से निर्मित जांच एजेंसी के नियमों के तहत है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
जब से राज्य में सरकार गिरी है विपक्ष के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा है, इसीलिए वो लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है। शिवसेनेचे प्रवक्ते माननीय संजय राऊत जी यांचे विरुद्ध केंद्रीय तपास संस्था असलेली एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटच्या वतीनं एक चौकशी मागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे। आज त्याच चौकशीच्या पुढची पायरी म्हणून किंवा त्या चौकशीतला प्रकार म्हणून आज त्यांच्या घरावर ईडीनी चौकशीसाठी छापा टाकल्याचं आम्हाला माहिती मिळाली। खरं तर ह्या सगळ्या संवैधानिक व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या तपास संस्था आहेत, त्या आपल्या पद्धतीनं कार्य करतात, त्यांना जर त्यामधलं काहीतरी काळबेरं वाटेल तर त्या पद्धतीनं त्याची चौकशी केली जाईल, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्याही पद्धतीचा संबंध येत नाही। जर ते दोषी असतील तर त्यासाठी तपास संस्था ते तपासतील, दोषी नसतील तर तपास संस्था त्यांना चौकशीच्या घेऱ्यातून बाहेर काढतील। कुठेतरी विरोधक असे म्हणत आहे की हे सूडबुद्धीने हे सगळं केल्या जात आहे, काय म्हणा? विरोधकांना आरोप करण्यासाठी आता कोणतंही त्याच्या पलीकडचं कोणतंही काम राहिलेलं नाही आणि त्यामुळं महाराष्ट्रातलं देखील सरकार आता त्यांच्या हातून निघून गेलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे आरोप करण्याशिवाय दुसरं काहीही साधन उरलेलं नाही। ह्या फक्त अशा पद्धतीने आरोप करणे आणि बातम्यांमध्ये राहणे एवढंच काम त्यांच्याकडे शिल्लक आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। नए सत्र से नागपुर विश्वविद्यालय में नया पाठ्यक्रम बीबीएम, बीसीसीए और बीकॉम भी नई किताबें उपलब्ध होंगी। हालांकि कई प्रोफेसरों और शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षकों और सरकार के बीच कोई स्पष्ट रूप नहीं है। हालांकि राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, नए शैक्षणिक सत्र से एनईपी को लागू करने के लिए कमर कस रहा है। विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की थी और घोषणा की कि एनईपी को लागू किया जाएगा। नए साल में विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के बीबीएम, बीसीसीए और बीकॉम के प्रथम वर्ष से लागू किया जाएगा। 34 साल के बाद देश में शिक्षा नीति में बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन नीति के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण कार्यान्वयन पिछड़ा रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से हुई थी। एनईपी को लागू करने का फैसला विश्वविद्यालय ने 8 जुलाई को हुई एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में लिया। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। गोंदिया में प्रतिवर्ष अनुसार श्रावण महीने में गोंदिया शहर के देशबंधु, वार्ड वसंत नगर, नागरा, सूर्या टोला, श्रीनगर आदि जगह से ढोल नगाड़े, डीजे के धुन पर भजन पूजन कर हजारों कांवड़ियों ने नागरा शिवधाम पर जाकर जलाभिषेक किया। बोले भम भोले के नारे लगाए, भक्तों ने झूमते हुए मंदिर में शिव पिंडी के दर्शन लिया, पश्चात महाप्रसाद का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। मध्य बाजार क्षेत्र के जो है नागरिक लोगों ने कांवड़ यात्रा चालू किए थे और रजे गांव से यात्रा जो है सतत अविरल रूप से नागरा धाम जाती है। कितने वर्षों से? और लगभग 35 वर्षों से जो है ये चल रही है और पंडित ललित प्रसाद जी पुरोहित के भजन के एकदम सानिध्य में यह जो यात्रा है कांवड़ यात्रा, यह कांवड़ यात्रा केवल पानी जल चढ़ाना नहीं है, भगवान का भजन करते हुए और पूरे रास्ते भगवान शिव जी का और राम जी का उद्घोष करते हुए यह यात्रा जो है हर साल जाती है। और प्रमुख रूप से हमारे ललित प्रसाद जी पुरोहित है, इनके जो है तब बल के कारण ये सब सब जो है ये यात्रा को हर बोला। भगवान प्रसन्न नहीं होते, हर चीज का संसार में भाव है, हर चीज का रेट है, तो भाव भगवान भी बिना भाव के नहीं मिलते। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। गाँव से यदि एक चम्मच जल भी चढ़ा दो तो भगवान स्नान कर लेते हैं, नहीं तो भगवान को गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी और जितनी भी अपने भारतवर्ष की नदियां हैं, उतने सप्त सागर है, वो मिलकर के भगवान का एक रोहा गीला नहीं कर सकते, भिजा नहीं सकते, लेकिन भाव से भगवान एक चम्मच में भी स्नान कर लेते हैं। ऐसे दयालु करुणा वरुणा वाले भगवान नागरेश्वर, उनको कोटि कोटि प्रणाम। विदित है कि 35 सालों से ये यात्रा सतत जारी है और हम पे बड़ी भारी अनुकंपा करते हुए जी हमारे इस यात्रा का प्रधान पद को संभालते हुए और अपनी यात्रा को अविरल बहते रहने के लिए भगवान शिव के चरणारविंद की भक्ति की प्राप्ति निमित्त हेतु और संसार के जगत के कल्याण के हेतु इस सद विचारों को लेके यात्रा भगवान शिव के माथे चढ़ती है। हम पुनः अपने संकल्प को दोहराते हैं कि जगत का कल्याण हो और सभी भक्तों के हृदय के बीच में भगवान शिव की भक्ति का संचार हो, इन भावों के साथ में भगवान नागेश्वर के श्री चरणों में हम कोटि कोटि। Yeah.
ऐसे भगवान करुणा के सागर है। बोलो काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय, नागरेश्वर महाराज की जय। नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने से रोकने पर तिलमिला युवक ने एक व्यक्ति को दिन दहाड़े सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात रविवार की सुबह गिट्टी खदान के क्राइम ब्रांच कार्यालय के पास हुई। गिट्टी खदान थाने, क्राइम ब्रांच तथा पुलिस मुख्यालय के सामने इस तरह की वारदात होने से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। काटोल मार्ग के क्राइम ब्रांच कार्यालय तथा पुलिस मुख्यालय के बीच मार्ग पर बलराम ने द्विवेदी को रोका। वह द्विवेदी से विवाद करने लगा। द्विवेदी कुछ समझ पाते इसके पहले ही बलराम ने धारदार हथियार से उन्हें गोद डाला। उनकी हत्या कर बलराम फरार हो गया। द्विवेदी को अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। वारदात का पता चलने पर गिट्टी खदान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खोजबीन आरंभ कर बलराम को गिरफ्तार कर लिया है। द्विवेदी की हत्या से परिवार में तीव्र रोष है। द्विवेदी के परिवार में पत्नी तथा दो बेटे हैं। द्विवेदी ही एकमात्र कमाने वाले थे। नमस्कार, भारतीय न्यूज में आपका सभी का स्वागत है। आज अभी सवेरे 10 बजे गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन थाना अंतर्गत एक मर्डर हुआ है जिसका नाम है नारायण द्विवेदी। उनके परिजनों से हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विकास तिवारी। क्या घटना हुई, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली मुझे बताइए। घटना की जानकारी ये मिली कि हमने खुद ही मेरे मामा के फोन पे फोन किया तो पुलिस स्टेशन से उठाया। उन्होंने बताया कि आप आ जाइए यहाँ पे, उनका ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम आए हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में। क्या घटना है, किसके ऊपर संदेह है, ऐसी कोई जानकारी? संदेह का अब ये किसने किया है एग्जैक्ट मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन वो सवेरे 8:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे। ऐसा पता चला कि गिट्टी खदान में उन्होंने पेट्रोल वगैरह डालने के लिए आए थे और इधर ही से ड्यूटी जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बीच में ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन संदेह की बात यह है कि जहाँ वो पहले किराए से रहते थे मनोज पांडे के यहाँ, तो उसका जो छोटा लड़का है बलराम पांडे, तो मुझे उसके और उसकी गैंग पे ही संदेह है, क्योंकि उसके साथ के जो लड़के हैं वो और वो मिलके मतलब लड़कियों को परेशान करना और चिड़ी मारी करना, गाड़ी लेके पीछे जाना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इन चीज़ों को हम लोगों ने सामने मिलके समझाया, नहीं मानने पर हमने रूम खाली कर दिया। तो मुझे लगता है कि रूम खाली करने के बाद शायद हमने दूरी बना ली उनसे, तो हो सकता है उस चीज़ की खुन्नस वो यहाँ पर निकाल रहे हों। मुझे ये तो पूरा संदेह है कि है इसमें से ही किसी का, और सुरेंद्रगढ़ का ही कोई बंदा है जिन्होंने ऐसा किया है। हो सकता है कि वो हो या उसकी गैंग हो, वो ना कराना चाहता हो तो उसकी गैंग हो। लेकिन और ऐसे बहुत सारे नाम भी हैं मेरे के जो मैं अभी FIR में लिखवा चुका हूँ, वो नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से, पुलिस स्टेशन पुलिस वालों के माध्यम से उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उनकी ऐसी सज़ा दी जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं सुरेंद्रगढ़ बस्ती में मेरा मकान है, मैं गंगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 22 में रहता हूँ। मेरे बाजू में इनका मकान है। ये साल भर से दारू का अवैध धंधा करते थे। उसके घर में कोई गलत अवैध किए, वो 3 दिन पहले अपना घर खाली करके चला गया। ये रंजिश के बदौलत उसको उसने आज आप माने मर्डर कर दिया। वो मर्डर का भरपाई ये दुखित इतनी घटना है कि उसका भरपाई दो बच्चे एक बच्ची एक बच्चा है कौन करेगा, निहत्था है। इसलिए उसका ये मकान बेच करके उसके नाम पे उसकी प्रॉपर्टी दी जाए, ये मेरी हम लोगों की मांग है। शोधन के एक मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कथित तौर पर एक महिला का शील भंग करने के आरोप में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार रात को बताया कि गवाह स्वप्ना पाटकर ने शिवसेना राज्यसभा सांसद राउत के खिलाफ वकोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी किए जाने के बीच उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ ये शिकायत महिला गवाह को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई है। इससे पहले ईडी ने रविवार सुबह संजय राउत के आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
मुंबई पुलिस ने धन शोधन के एक मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कथित तौर पर एक महिला का शील भंग करने के आरोप में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार रात को बताया कि गवाह स्वप्ना पाटकर ने शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ वकोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। IOCL की वेबसाइट पर जारी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज दिल्ली सहित तमाम राज्यों में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त 2022 सोमवार को उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी है। गौरतलब है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज 36 रुपये की कटौती की है। गैस सिलेंडर के कम हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। बीकेबी न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।